व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर एक स्पोर्ट्स सिटी का एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड आयरिश पर्ल्स। सो गाइस, दैट्स द कंस्ट्रक्शन साइट। पहले मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द अप्रोच रोड। इसी रोड पर बिल्कुल आगे की तरफ वहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो राइस की कमर्शियल मार्केट है। इसके बाद इसी रोड पर आगे जाते हैं तो वहाँ पर राइस की सेल्स गैलरी है, और यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं और बिल्कुल वहाँ पर एक गोल चक्कर है। सो उस गोल चक्कर को कहते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। सो अगर आप चार मूर्ति गोल चक्कर की तरफ से आ रहे हैं, सो जब आप इस पॉइंट पर पहुँचते हैं वहाँ से अगर आप राइट लेते हैं, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन दैट यू विल सी ऑन योर लेफ्ट इज़ सुपरटेक इको विलेज 1। सो ये तो हो गया लोकेशन। इसके बाद आगे की तरफ इसी रोड पर आगे की तरफ देखते हैं। सो वहाँ पर पूरी लो राइज डेवलपमेंट है, इनफैक्ट आप देख भी पा रहे होंगे। सो जस्ट वहाँ पर जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ दैट्स आम्रपाली लेजर वैली विलास। इसके बाद ठीक आगे की तरफ आम्रपाली का लेजर पार्क है, और इसी बेल्ट पर ये वाली जो रोड है अगर इसी पे फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं तो ये भी चार मूर्ति गोल चक्कर तक चली जाती है। इसी बेल्ट पर आगे की तरफ आयरिश पर्ल्स से अगला जो प्रोजेक्ट है दैट्स एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, और इसी बेल्ट पे जो लास्ट प्रोजेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे दैट्स देवसाई स्पोर्ट्स होम। इसके बाद आगे की तरफ जितना भी एरिया है वो पूरा स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। तो गाइस अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये 14th फ्लोर का व्यू है, और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा स्पोर्ट्स सिटी का कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ द एंटायर स्पोर्ट्स सिटी। सो बिल्कुल ठीक सामने नीचे की तरफ जो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दीस आर स्पोर्ट्स विलास जो राइस का ही पार्ट है। सो ये बेयर शेल डिलीवर किए जाएंगे। इसके बाद आगे की तरफ वहाँ पर समवेयर ओवर देयर वो आप देख रहे हैं एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसके बाद ठीक यहाँ पर आगे की तरफ ये पूरा एक गोल्फ कोर्स मेंटेन किया जाएगा। सामने की तरफ राइस के रिजॉर्ट रेजिडेंसेस हैं और आगे की तरफ उनका पूरा फ्लोर एरिया है। बिल्कुल उस साइड अगर आप चले जाते हैं तो वो पूरा राइस का कमर्शियल है। सड़क के ऑपोजिट अगर बात करें तो दैट्स CRC सबलिमिस, आगे की तरफ है ATS रापसोडी। सो दीज आर टू ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर एक का मतलब अगर आप कंसिडर कर रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज गो विद देम। सो यहाँ से आपको पूरा जो व्यू आता है दैट्स टोटली अनइंटरप्टेड, बिकॉज यहाँ से अब आप पूरा नोएडा की स्काईलाइन देख रहे हैं, दैट्स सेक्टर 121 एंड 122। सो गाइज दैट्स द डमी मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ दो ही टावर्स हैं, इट्स स्टिल्ट प्लस 30 फ्लोर। सो पूरी अगर हाइट्स की बात करें तो 31 स्टोरी बिल्डिंग रहेंगी, दो टावर्स हैं, सभी फ्लोर पर 6 फ्लैट्स होंगे, 3 लिफ्ट्स और 2 पैसेज का इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट पॉइंट रहेगा, एंटर करते ही जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी बेसमेंट में चली जाएगी। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जितनी भी अभी आप स्पेस देख रहे हैं ये सिर्फ विजिटर पार्किंग है, और इसके बाद ये इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। तो इंटरनल मूवमेंट के लिए इस तरह से सड़क है, बाकी जो विजिटर्स हैं उनके लिए सामने की तरफ यहाँ पर पार्किंग रहेगी। इसके बाद पीछे की तरफ ये पूरा स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट आ जाता है जहाँ पर राइस का प्रोजेक्ट आता है। इससे अगला जो प्रोजेक्ट है वो भी एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, एपेक्स गोल्फ एवेन्यू इज़ द प्रोजेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पर राइस के कमर्शियल आ जाते हैं। पोडियम बेस्ड होने की वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की गई है फ्लोर की। ऊपर आप देख सकते हैं कैंपी थिएटर है, बीच में जॉगिंग ट्रेल है, बिल्कुल वहाँ पर अगर आप देखें तो वो होगा इसका क्लब हाउस, और सामने की तरफ इसका पूल डेक और पूल एरिया। सो दैट्स हाउ द एंटायर प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स सैम्पल फ्लैट। सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 ही साइजेस हैं, 2, 3 एंड 4 BHK के। सो इस वीडियो के अंदर अभी आप देखेंगे एक 4 BHK सैम्पल फ्लैट जिसका एरिया है 1990 स्क्वायर फीट, और इसकी कॉस्ट शुरू हो जाती है 69 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स एंड इट गोज अप टिल 87 लाख रुपीज़। दो और स्पेसिफिकेशन है 2 BHK और 3 BHK की। सो 2 BHK का जो एरिया है दैट्स 1100 स्क्वायर फीट, और 3 BHK में 1590 स्क्वायर फीट आता है। 2 BHK यहाँ पर शुरू हो जाता है 38 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स, और 3 BHK का जो साइज़ है वो शुरू हो जाता है 53 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं मेन एंट्रेंस से। मेन एंट्रेंस गेट से जैसे ही आप अंदर आते हैं बीच में पूरा आपको ये ज़ीरो विजिबिलिटी जोन मिलता है, यू कैन यूज़ इट लाइक अ फॉय एरिया। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं
तो ऑन माई राइट इज़ द फर्स्ट बेडरूम. दिस बेडरूम कम्स विद अटैच वॉशरूम और आगे की तरफ एक पूरा बालकनी एरिया है. अभी जिस स्टेट में आप इस फ्लैट को देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट के अंदर डिलीवर किया जाएगा. इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है. वॉशरूम्स जितने भी होंगे एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किए जाएंगे. फ्लैट की खास बात यह है कि यहाँ पर आप जो सीलिंग हाइट देख रहे हैं दैट्स 11 फुट. तो 11 फुट की सीलिंग हाइट मिलती है. बाकी यहाँ पर जितने भी बालकनीज हैं सभी के अंदर UPVC के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ किए गए हैं. और ये एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर लिविंग रूम से कनेक्ट होती है. बालकनी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं टफ एंड ग्लास और SS यूज़ किया गया है. अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द लिविंग एरिया. आप अगर चाहें तो इस बेडरूम को एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ से अब मैं पहले आपको पूरा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ. सो दैट वॉज द एंट्रेंस. सामने की तरफ पूरा फॉय एरिया है और एक काइंड ऑफ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन बन जाता है. सो अगर मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर कोई आता है सो दे डू नॉट गेट टू सी इनसाइड योर अपार्टमेंट. फ्लोर्स पे अगर आप यहाँ पर देखें सो दे आर यूजिंग डबल ग्लेज टाइल्स. और सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं बहुत मैसिव है. 11 फुट की सीलिंग हाइट है. नोएडा एक्सटेंशन में देर आर ओनली हैंडफुल ऑफ डेवलपर्स जो इतनी सीलिंग हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो रूम के साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं. लिविंग रूम के साथ आगे जो बालकनी थी ये वही बालकनी है जो फर्स्ट बेडरूम या गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड थी. सो डाइनिंग के आगे ये पूरा किचन एरिया है. सो किचन में अभी इन्होंने वुडवर्क कर रखा है बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स. बट जब ये फ्लैट डिलीवर किया जाएगा इसके अंदर सिर्फ एक काउंटर टॉप रहेगा, दैट्स इट. और इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं होगा. सो दिस इज द बालकनी स्पेस. सो ये एक अच्छी बात है. आप देख सकते हैं टाइल्स को गिन सकते हैं. 6 फीट चौड़ी ये बालकनी है. सो एक बहुत अच्छा यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है. इसके बाद डाइनिंग एरिया से आगे की तरफ चलते हैं. सो ये बीच में पूरा एक पैसेज बन जाता है. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बेडरूम्स हैं. सामने की तरफ एक और बेडरूम है. राइट में है कॉमन वॉशरूम. सो एज मेंशन अर्लियर जितने भी वॉशरूम्स हैं एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किए जाएंगे. एवरीथिंग इज वॉल माउंटेड. और वेंटिलेशन के लिए सामने की तरफ इन्होंने एक एग्जॉस्ट का और एक विंडो का प्रोविजन दे दिया है. सो फिटिंग्स कुछ इस तरह की रहेंगी. कॉमन वॉशरूम से आगे की तरफ आते हैं. सो ये है यहाँ पर 2nd बेडरूम. इसके साथ भी आगे की तरफ एक बालकनी है. ये एक्चुअली में एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ भी. सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. जो बालकनी एरिया है वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा बिकॉज वो मास्टर बेडरूम के साथ ही है. सो दिस इज द 3rd बेडरूम. 3rd बेडरूम ऑल्सो कम्स विथ अटैच वॉशरूम. वॉशरूम में आप देख सकते हैं एंड टू एंड टाइल्स लगी हुई है और सभी के अंदर वॉल माउंटेड फिटिंग्स लगी हुई है. अमेरिकन स्टैंडर्ड इज द ब्रांड दैट दे आर यूजिंग. सो दिस इज द एंटायर स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम. इस वाले बेडरूम को एज अ किड्स बेडरूम की तरह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है बिकॉज यहाँ पर एक यूनिवर्स का वॉलपेपर लगा रखा है. और इसके साथ भी एक देखा जाए तो पर्सनल बालकनी स्पेस आता है. ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड है. सो ये एक अच्छी चीज़ है. ऑलमोस्ट जितनी भी बालकनीज मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक बालकनी दे दी गई है. दीज आर फंक्शनल बालकनीज. सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम. सो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फ्लैट. सो ये है इसका सबसे लास्ट बेडरूम, द मोस्ट स्पेशियस एंड द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट एंड अटैच वॉशरूम. और इसके साथ आगे की तरफ है एक बहुत ही स्पेशियस रनिंग बालकनी. मास्टर बेडरूम में आगे की तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें सो ये एंड टू एंड यहाँ पर इन्होंने कबर्ड का काम कर रखा है. सो ऑलमोस्ट अगर कबर्ड की विड्थ की बात करें तो इतनी चौड़ाई आ जाती है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द कम्प्लीट ड्रेसिंग और वॉक इन क्लॉजेट एरिया. इसके बाद आगे की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम. बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है. आई एम शूटिंग इट ऑन द नॉर्मल लेंस.
इस समय अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नॉर्मल लेंस पर है, आई एम नॉट यूजिंग वाइड एंगल लेंस, सो जितना अभी आपको स्पेस दिख रहा है ये बहुत स्पेशियस है। सो गाइज, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस बैल्कनी। ये एक रनिंग बैल्कनी है जो मास्टर बेडरूम और सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। So alright guys, that's it for the day. I hope you enjoyed the property tour. So this was Irish Pearls, 1990 square feet, 4 BHK, 4 toilet, now on market at 69 lakh rupees onwards. For more information related to this project, you can just call me at the number mentioned below.